पब्लिक टीवी आपकी आवाज। उत्तर प्रदेश की जनपद अमरोहा की गजरौला नगर पालिका की ओर से अनूठी पहल की गई है। शहर भर में जो कचरा एकत्र होता है उसको जैविक खाद बनाया जा रहा है। आने वाले समय से इस नगर पालिका को बड़े पैमाने पर धन उपार्जन होगा। ये तस्वीरें हैं उत्तर प्रदेश के अमरोहा जनपद के नगर पालिका गजरौला की। यहाँ पर नगर भर का कचरा अब किसानों के खेत में उर्वरक क्षमता को बढ़ाने में काम आएगा। नगरपालिका ने नई पहल करते हुए घरों से निकलने वाले कूड़े को डोर टू डोर एकत्र कर जैविक खाद बनाने का कार्य शुरू किया गया है। गजरौला में प्रतिदिन 12 मीट्रिक टन कूड़ा जनरेट होता है। इससे जहां एक ओर नगर की सफाई व्यवस्था में सुधार हुआ है, वहीं नगरपालिका की आमदनी का भी नया स्रोत बन गया है। नगरपालिका की यह योजना अब सफल हो गई है और 40 दिन में जैविक खाद बनकर तैयार है, जो कि किसानों के लिए सस्ते दामों पर उपलब्ध है। नगरपालिका के अधिशासी अधिकारी विजेंद्र पाल सिंह ने बताया कि नगरपालिका के समस्त वार्डो में घरों से कूड़े को अलग अलग इकट्ठा किया जाता है। इसके बाद गीले और सूखे कचरे से जैविक खाद बनाया जा रहा है। इसके बाद इस जैविक खाद को मार्केट में बेचा जाएगा। उन्होंने बताया कि कचरे को इकट्ठा करने के बाद 40 दिन के भीतर तैयार कर लेते हैं। जैविक खाद की पहली खेप बनकर तैयार है। निकलता है प्रतिदिन लगभग 12 मीट्रिक टन कूड़ा हमारे यहाँ पे जनरेट हो रहा है। हम प्रतिदिन जो है डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन करते हैं। घरों से ही कूड़ा कलेक्शन किया जा रहा है और ये बड़ी खुशी की बात है कि हम एट ए होम वहीं पर इस एट ए सोर्स कूड़े को सेग्रीगेट करते हैं, अलग अलग करते हैं। जो किचन वेस्ट है उसे अलग कर रहे हैं, जो सॉलिड वेस्ट बचता है उसे हम अलग करते हैं। जो किचन वेस्ट है उसे हमने कंपोस्टिंग किया है, वर्मी कंपोस्टिंग कर रहे हैं, नेचुरल कंपोस्टिंग है। और खुशी की बात यह है कि वो बिक्री के लिए भी वर्मी और नेपेड कंपोस्ट हमारे पास में तैयार है। आदर्श आचार संहिता के बाद हम उसकी बिक्री करना शुरू कर देंगे। इसके अलावा वर्मी कंपोस्ट से वर्मी वाश